ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और प्रदूषित हवा में सांस लेना मतलब बीमारी को दावत देने जैसा है। यही वजह है कि इन दिनों दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पड़ोसी राज्यों में पर्यटक शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए नैनीताल और साथ ही शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, यहां की हवा काफी शुद्ध है। दिल्ली एनसीआर की हवा पराली जलाने की वजह से काफी खराब हो चुकी है और इसी के चलते उन्होंने यहां आने का फैसला लिया। वहीं दूसरी ओर शिमला में अब सर्दी भी बढ़ने लगी है। दोपहर तक भले ही धूप देखने को मिल रही हो लेकिन दोपहर के बाद में नैनीताल हल्के बादलों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच पर्यटक शिमला में ठंड का मजा लेते हुए शिमला के मॉल रोड पर आनंद ले रहे हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए दिल्ली और एनसीआर की, जहां पर एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है, और दूसरी तरफ आप देखिए आपको नैनीताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप फर्क खुद समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ हवा काफी ज्यादा शुद्ध है तो वहीं दिल्ली एनसीआर में शुद्ध हवा लोगों को देखने को भी नहीं मिल रही, क्योंकि एक्यूआई बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिससे प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होने के चलते लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। या इट्स रियली अमेजिंग टू एक्सपीरियंस सच ए गुड एनवायरनमेंट, सच गुड क्लाइमेट एंड ऑफ कोर्स सच गुड पीपल एज वेल। वेदर यहाँ पे है बहुत ही अच्छा है और हम सुबह से लेकर, वो सुबह थोड़ा गर्मी है लेकिन शाम होते होते बहुत ही ठंड लग रही है, लेकिन बहुत अच्छा क्लियर स्काइज है तो फोटोज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। शिमला अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लेस पोल्यूटेड, बिकॉज वैसे मैं कनाडा रहती हूँ पर मैं, मेरे मॉम डैड दिल्ली हैं, मैं दिल्ली से आई हूँ। वहाँ बहुत बुरा हाल है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं हम और पोल्यूशन दबा के है। इट इज वेरी मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू एनसीआर। यू कैन सी द पोल्यूशन देयर, वी कैन नॉट इवन ब्रीथ प्रॉपरली, सो व्हेन वी कम हियर वी फील दैट वी आर इन हेवन and that is why we always prefer coming to such places. एकदम से वहाँ से जैसे ही नैनीताल आया तो यहाँ पे एकदम से हवा बदल गई, तो सांस सांस लेने में भी फर्क महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, AQI इंडेक्स 30 क्रॉस कर चुका है जो इक्वेलेंट है 61 स्मोक्स के बराबर, मतलब सिगरेट्स के बराबर, और यहाँ पे आके फील हो रहा है मतलब कम्प्लीटली एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट है। दिल्ली की तो मौसम की हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छी एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे नैनीताल में आए, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है। दिल्ली की तो हालत बहुत ख़राब है पोल्यूशन से, वहाँ तो सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ हमें बहुत फ्रीली फील हो रहा है, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं हम, मौसम बहुत अच्छा है, पोल्यूशन भी कम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सोनभद्र में अनपरा परियोजना के डिस्चार्ज चैनल में एक दंपत्ति बह गए और तेज बहाव होने के चलते उनका अब तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने के चलते पत्नी पानी में गिर गई थी, उसे बचाने के चक्कर में पति भी पानी के तेज बहाव से बह गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है।